जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स का बात हो रही है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स का प्लीज आवाज आ रही है जी। ये कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं थी? चलो सर, पेज नंबर 216 निकल रहा है, एक और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 216 ठीक है, ठीक है। ईच केजी था ना आधा घंटा, तो 2.5 केजी लगने एक यूनिट को, उस तरह कर लेंगे। जी क्या हेडिंग देखी नजर आ रही है सर? लर्निंग कर्व थे पहले, स्टार्ट लीजिए। इसको स्टार्ट करने से पहले सर, ये कॉन्सेप्ट स्टोरी का ये है कि आप भी जरा अपने एक्सपीरियंस से जरा सोचा, अगर कोई फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन फर्स्ट टाइम दिया जाए घर के लिए, तो लेट्स अज्यूम उसे सॉल्व करने में अगर 1 घंटा लग रहा है, और अगले दिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपने 1 घंटे में कर लिया सपोज, अगले दिन मैं आपको सेम क्वेश्चन, सेम टाइप नहीं, ये जरा आईडी शेयर हो गई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स से मेरी आवाज ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज मेरी आवाज ठीक आ रही है? ग्रुप में मसला तो नहीं, ज्वाइनिंग नहीं, ज्वाइनिंग इशू तो नहीं, आवाज सकते बात ही हो रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एक क्वेश्चन होमवर्क दिया जाए और आपको सपोज 1 घंटा लगा उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, और नेक्स्ट डे मैं आपसे कहूं कि यही सेम क्वेश्चन जो कल आपने किया वो दोबारा घर जाके करें, तो यकीनन अब ज्यादा टाइम लगेगा। सेम टाइप नहीं कर रहा, सेम क्वेश्चन, तो कंपैरेटिवली टाइम कम क्यों लगेगा? एक लर्निंग से डेवलप होगी, पता ये फिगर्स ये थी ये थी ये थी। अगर अगले दिन फिर मैं कहूँ ये सेम क्वेश्चन, अगले दिन खुदा ना खासा फिर कह दूं और आप मेरी बात मानी जाए, तो ये स्टेज फिर भी कभी नहीं आएगी कि देखा हो गया। एक स्टेज पे जाके शायद टाइम कॉन्स्टेंट हो जाए, मतलब फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट 25 मिनट, ये स्टेज कभी नहीं आएगी कि सवाल देखा और हो गया। आ तो जाती है वैसे, लेकिन अगर अटेम्प्ट किया जाए उसे, इट मींस लर्निंग डेवलप तो होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, और टाइम देयर फॉर कम हो रहा होगा, लेकिन एक स्टेज पे जाके फिर लर्निंग स्टॉप हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को जेन में लाया जाए और उसमें कोई एम्प्लॉय फॉर एग्जाम्पल जिस चेयर पर आप बैठे इस तरह की कोई चेयर बना रहा है, और रिपीटेडली वो इसी तरह की चेयर अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन बार बार बनाता है, तो क्या विद द पैसेज ऑफ टाइम वो प्रोसीजर समझ जाएगा? yes, उसका टाइम रिड्यूस होता जाएगा। टाइम रिड्यूस होने से फिर अल्टीमेटली क्या कम टाइम में ज्यादा काम हो जाएगा? yes,
ठीक है, तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। yes. तो ये कॉन्सेप्ट है लर्निंग का, क्या कॉन्सेप्ट है कि इंसान अगर बार बार एक ही काम, अच्छा डिफरेंट सेम टाइप नहीं, एक ही काम बार बार रिपीटेडली कर रहा है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक लर्निंग इंसान के डेवलप होने से एक लर्निंग कर्व हो जाती है। लर्निंग लर्निंग से होता क्या, टाइम बढ़ता है कम होता है? तो इसको थोड़ी सी मैंने बात आपके सामने रखी, इसको ध्यान में रखते एक थेरी सी डेवलप कर दी गई है, पढ़ेंगे। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, इन सम इंडस्ट्रीज सॉरी, दैट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द लेबर टाइम पर यूनिट टू रिड्यूस इन टाइम एज मोर ऑफ द यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, वर्कर्स अंडरलाइन बिकम्स मोर फेमिलियर विद द टास्क एंड गेट क्विकर, फिर जल्दी से काम हो जाता है, पता होता है अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, इंसान सीख जाता है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग, अब ये 1945 अराउंड या 40s में ये कॉन्सेप्ट इंसान के जहन में पहली दफा आया था कि ये भी हो रहा है। फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स फाउंड दैट द रेट ऑफ इंप्रूवमेंट वॉज सो रेगुलर दैट इट कुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ फॉर्मूला एंड द लेबर आवर्स कैन बी प्रिडिक्टेड विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फ्रॉम अ लर्निंग कर्व। अब यहाँ से फिर एक फॉर्मूला डेवलप हो गया हुआ और उस फॉर्मूले के बेस पर फिर अभी हम आगे चल के वर्किंग करते हैं। द फर्स्ट टाइम अ न्यू ऑपरेशन या टास्क इज परफॉर्म्ड, बोथ वर्कर्स एंड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आर अनट्राइड, अनट्राइड का मतलब अभी ट्राई नहीं किया था। एज द ऑपरेशन इज रिपीटेड द वर्कर्स बिकम मोर फेमिलियर विद द वर्क, लेबर एफिशिएंसी इंक्रीजेस का मतलब क्या होता है, आवर्स कम हो जाते हैं, मैं आपसे कहूं 5% एफिशिएंसी है, लेबर एफिशिएंसी है, तो वो काम जो 100 घंटों में होता था अब 95 आवर्स में होगा, एंड द लेबर कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइंस। ये क्यों, फॉर एग्जांपल अगर पहले एक घंटे में एक यूनिट बनता था और 150 रुपए आप लेबर को पे करते थे, तो 150 रुपए इज रेट पर आवर एज वेल एज पर यूनिट, लेकिन अगर बाद में यूनिट आधे घंटे में बनना शुरू हो जाए तो पर आर एट तो 150 रहेगा, लेकिन 150 देन डिवाइड बाय 2 होने से पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। क्या कम होने से क्या बढ़ जाए, क्या कम हो जाएगा, क्या कम होने से क्या कम, लेबर आवर्स कम होने से, एफिशिएंसी बढ़ने से लेबर आवर्स कम होने से कॉस्ट पर यूनिट कम हो सकती है, और सेकेंडली फिर शायद ओवरहेड्स भी रिड्यूस हो जाए। वही घंटे के ओवरहेड्स पहले एक यूनिट पे डिवाइड हो रहे थे, अब ज्यादा यूनिट्स पे अगर होंगे तो वेरिएबल ओवरहेड्स में भी कमी आ जाएगी। अब इसका सर ये बेसिक प्रिंसिपल की एक लाइन है, इसको फिर इसी को शायद हमने फर्दर बहस करनी है, तो इसको थोड़ा हाईलाइट करना था, अंडरलाइन करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल इज दैट एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, टोटल आउटपुट डबल्स, कम्युलेटिव टोटल आउटपुट डबल्स, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज एंड दैट फिक्स्ड परसेंटेज इज कॉल्ड एज लर्निंग रेट ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। बेसिक प्रिंसिपल इज दैट एज कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम, और वही जो फिक्स्ड परसेंटेज है वो फिर लर्निंग रेट कहलाता है। अब इसको एज इट इज पढ़ के समझने से डेफिनेटली कुछ समझ नहीं आएगा, और इसके नीचे जो दो पैराग्राफ्स और लिखे हैं उसको छोड़ के पहले एक जरा डेटा देखा जरा। टेबुलर अप्रोच ऑफ लर्निंग का एक एग्जांपल लिखी हुई है आप सामने, आप लोग इस तरह करें लिखने की बजाय, क्योंकि लिखा आपके पास शायद है, अगर जरूरत पड़ेगी लिख लीजिएगा, पहले जरा ये डेटा मुझे जरा अरेंज करवाएं, जरा एग्जांपल का डेटा मिल गया कहाँ, बताएं जी यूनिट्स कितने कितने लिखे हैं लिखा बेटा। ये हुआ कि अगर पहला यूनिट बनाया जाए, मेरे वर्ड्स बहुत गौर से सुनना है, पहला यूनिट अगर बनाया गया तो अगले आगे लिखे क्या लिखा हुआ, 10 आवर्स के ऊपर क्या लिखा हुआ, टाइम मेड टू मेक द यूनिट्स कंसर्न्ड, यूनिट्स कंसर्न्ड से हम रात, जब पहला यूनिट बनाया गया तो टाइम टू मेक द कंसर्न्ड फर्स्ट यूनिट क्या आया, पहले यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगा, टाइम टू मेक द यूनिट्स कंसर्न, द कंसर्न्ड यूनिट। इस वक्त हम किस कंसर्न्ड यूनिट की बात कर रहे हैं, पहले कंसर्न्ड यूनिट की,
हमारा इस वक्त कंसर्न किस यूनिट से है? जब पहला यूनिट बना तो कितना टाइम लगा? जब दो यूनिट्स बने, ऐसे नहीं है, जब दूसरा यूनिट बना तो कितना टाइम लगा दूसरे को? सपोज एट ऑफ, जब थर्ड यूनिट बना, तीसरा यूनिट बना, तो तीसरे को बनाने में टाइम लगा 7.386 आवर्स। अब डेफिनेटली ये डाटा आपको एग्जाम में देगा। जब फोर्थ यूनिट बना तो 7.014 आवर्स लगे। अब ये वर्ड समझ आएंगे, टाइम टू मेक द कंसर्न यूनिट, ये रिस्पेक्टिव टाइम है या कम्युलेटिव टाइम है? रिस्पेक्टिव यूनिट का टाइम है। बल्कि आप इस ने रजिस्टर खोलना जरा, ये टेबल बना दो। इस टेबल के दो कॉलम मैंने बनाए हैं, दो और बनाने जरा के स्पेस रखिएगा। जी पेज नंबर, सॉरी जी, पेज नंबर 216 है, पेज नंबर 216 है। बहुत से हजरात काफी दिनों बाद एक दूसरे से मिले हैं, तो यकीनन मुलाकातें होनी चाहिए, सलाम दुआ होनी, बहस भी होनी चाहिए, क्या होता रहा ये भी शेयर होना चाहिए। लेकिन अगर ये क्लास के एंड में रखें तो ये ऑनलाइन स्टोर से कहीं बताना लिखेगा। जी सर, थर्ड तरह वर्किंग देखे पहले, थर्ड कॉलम हो गया, नेक्स्ट कॉलम में फिर लिखना होता है कम्युलेटिव टोटल टाइम, इकट्ठा टोटल टाइम, मतलब बोर्ड पे देखो, अगर एक यूनिट बना तो क्या एक यूनिट तक 10 घंटे ही लगे? दोनों का अगर इकट्ठा टाइम कर दिया जाए cumulative total time to produce first two units, सही words में ना? अगले words बोला जरा, क्या सोचो मैं, cumulative total time to produce first three units 25.386, क्या कर रहा हूँ, 10 plus 8 18 plus 7.386 cumulative total time over heading, ठीक है मेरी? फाइनली कैसे करूँ? Time to make first four units 32.4 I think 40. ये 10 किस यूनिट का टाइम है, 18 किस यूनिट का टाइम है, पहले दो का, किसी एक का नहीं, पहले दो का, पहले तीन का, फिर पहले चार का, ठीक है?
जी कर समझ गए बात को। देन फिर इस स्टोरी में लास्ट कॉलम बनेगा बाय द नेम ऑफ कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट करवा दे बच्चे कैसे? थर्ड एंड फर्स्ट, थर्ड कॉलम डिवाइड बाय फर्स्ट कॉलम, टेन डिवाइड बाय वन, पहला तो टेन ही आ रहा है, एटीन डिवाइडेड बाय व्हाट इज नाइन, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट। ये नाइन किस यूनिट का टाइम है, पहले का या दूसरे का? दोनों का ऑन एवरेज है ना, ये पहले का है ना ये दूसरे का ही, ऑन एवरेज दोनों का। पहले का अपना टाइम कितना है, दूसरे का अपना एट, ऑन एवरेज दोनों का नौ है ना, ये नौ पहले का है ना दूसरे का है, ऑन एवरेज दोनों का नौ नौ है। देन अगली वर्किंग कैसे करो, 25.386 डिवाइडेड बाय 3, 8.462 इज कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट, और लास्ट वन 32.4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8.1। अरे यहां एनी कंफ्यूजन इज वर्किंग, वर्किंग ठीक है। अब कह नहीं था ये टेबल सामने रख के बुक में जाए, बुक पे जाए और बेसिक प्रिंसिपल वाले लाइंस पे आ जाए। लर्निंग कर्व की जो थ्योरी एस्टेब्लिश की गई है, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, पढ़ो, एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, बोर्ड पे देखा रखना, कम्युलेटिव आउटपुट डबल, क्या वन से टू होना डबलिंग है? वन टू, वन से टू, क्या टू से फोर होना डबलिंग है या टू से थ्री होना? एज द कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, वन से टू होना डबलिंग है सर, टू से फोर, नेक्स्ट डबलिंग बताए, एट, सिक्सटीन, 32, 64, 128, 256, 512, and so on. Doubling. As the cumulative output doubles, होता क्या है? Cumulative average time per unit, आखिरी कॉलम, दूसरा नहीं तीसरा नहीं आखिरी कॉलम, as the cumulative output doubles, as the cumulative आउटपुट डबल, ठीक है यहां तक? अब सेंटेंस पढ़िएगा जरा बुक से, द कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज एंड दैट फिक्स्ड परसेंटेज इज कॉल्ड एज लर्निंग रेट ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। कैसे? बोर्ड पर देखो, वन से टू होने से कम्युलेटिव एवरेज टाइम 10 से 9 हुआ, क्या फॉल हुआ? फॉल हुआ सर, किसी परसेंटेज से हुआ? नहीं, 10% से इस तरह इसकी वर्किंग की जाती, ठीक है आपकी बात, कैलकुलेटर पे लिखा था 9, वो भी ठीक है जो आपने किया, लेकिन जो तरीके से किया जाता वो क्या है, कैलकुलेटर पे लिखे 9 डिवाइडेड बाय लिखे 10 इनटू 100, चलिए 9, तरीका क्या है सर इसकी परसेंटेज निकालने का? 9 डिवाइड बाय मतलब प्रीवियस के साथ कंपेयर करना, जरा दूसरे सेंटेंस में देखें, प्रीवियस के साथ कंपेयर करना, व्हाट इज प्रीवियस इन दिस केस, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स, फिक्स परसेंटेज अभी हम निकालते हैं, और द प्रीवियस एवरेज टाइम, बेस किसको रखा हुआ है? प्रीवियस एवरेज टाइम, व्हाट वाज द प्रीवियस एवरेज टाइम? 10, तो कम्युलेटिव आउटपुट जब डबल हुई थी फॉल हुआ, कहां तक आ गया? 9 तक आ गया, तो 9 बाय 10, बेस किसको रखा हुआ है? प्रीवियस एवरेज टाइम इनटू 100, आंसर बना आपका 90%।
ये बेहतरीन बात हो गई है शुरू में ही। क्या 90% का मतलब वी हैव लर्न 10% या 90%? तो 90% जो है ना इसमें 100 के साथ है। 10 सिंपल करें, 10 से 9 हुआ है ऑन एवरेज। पहले जो काम 10 घंटों में हो रहा था, ऑन एवरेज आपको 9 घंटों में हो रहा है। तो क्या 90% लर्न हुआ है या 10% लर्न हुआ है? तो परसेंटेज इसी तरह कैलकुलेट की जाती है, लेकिन लर्निंग इसके दरमियान में बीच में छुपी हुई है। अगर ये 80% आंसर आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा? तो फिलहाल उसे कंफ्यूज ना करें, इसकी वर्किंग कैसे हो रही है, 90% लर्निंग रेट बन गया। आगे चलें जरा, देन वापस यूनिट्स की तरफ देखते हैं। अब जब डबलिंग हुई है तो 2 से 3 में जाऊं या 2 से 4? तो 9 से गए आप 8.1। ये जो थ्योरी बनी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दोबारा एज द क्यूम्युलेटिव आउटपुट डबल्स क्यूम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट फॉल्स ऑफ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस। अब बताएं वर्किंग कैसे करो, 8.1 डिवाइड बाय 9 इनटू 100, 90%। ये जो परसेंटेज है ये फिर वो कहता है कांस्टेंट रहेगी, फिक्स परसेंटेज। वर्ड्स फाइनल करें जरा, बेसिक प्रिंसिपल इज दैट एज द क्यूम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, क्यूम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स हुआ फिक्स परसेंटेज। और 90% अगर हमारा आंसर आ रहा है, विच मीन्स कि हम या हमारे एम्प्लॉइज 10% लर्न करते जा रहे हैं। एक चीज और क्लियर कर ले, ये अब थ्योरी एक है, ऊपर जरा पढ़े थ्योरी, और थ्योरी और लॉ में कोई फर्क होता है सर? तो जरूरी नहीं हर जगह एप्लीकेबल हो, लेकिन अगर आपको ये बताई हुई स्टोरी तो फिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। एज द क्यूम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, क्यूम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट फॉल्स ऑफ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरी टाइम। एक दफा जरा आप भी बोलने का इधर, अब ये करनी कंप्लीट कर लेना। अब अनफॉर्चुनेटली आप अलाउ नहीं कर रहे होते, अब मैं तो चाह रहा था पहले पूरा लिखूं, अब राइट साइड पर जगह नहीं है। जब मैं लिख रहा होता हूँ कह रहा था रुक जाएं, तो आप कहते हैं क्यों रुक जाएं? इसलिए रुक जाएं, अब ये कहाँ लिखेंगे, करें आप हिम्मत। असल चीज तो ये थी, एनी कंफ्यूजन सर? नेक्स्ट इसका फायदा सुने, अब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 4 यूनिट्स बनाए और उनकी बेस पे अब आपको पता चल गया कि हमारे इंप्लॉइज 90% लर्न कर रहे हैं। नहीं, कहेंगे हम यही कि हमारे इंप्लॉइज का लर्निंग रेट 90% है, जिसमें वर्ड जिसके अंदर छुपा क्या हुआ है कि 10% डिक्रीज होगा। मैं कहा यही करूंगा कि 70% लर्निंग रेट है, आपको समझ क्या आया करेगी, वही जो हकीकत है। आप चले परेशान होना शुरू हो गए, मेरे ख्याल तो एक दफा फाइनल बात कर ही लें जरा, क्या 90% लर्निंग बेहतर है या 70%? 90% लर्निंग बेहतर है, बस इतनी सी स्टोरी। ये 100 माइनस समथिंग हो रहा है, यकीन 70% लर्निंग बेहतर है, इसको फिलहाल इतना की काफी। जी सर, फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट 4 यूनिट्स बनाए और आपको 90% लर्निंग का पता चल गया। अब लेट्स अज्यूम आफ्टर दीज फर्स्ट 4 यूनिट्स आपके पास एक कस्टमर आया और उसने आपसे कहा है कि मुझे 4 यूनिट्स आपसे रिक्वायर्ड है। पहले 4 वाले नहीं, पहले 4 बना के हम दे चुके हैं और हमें हिस्टोरिकल डाटा से 90% लर्निंग का पता चल गया। एक कस्टमर आपसे आके कहता है मुझे 4 यूनिट्स चाहिए आपसे, उसकी प्राइस कोट कर दें, तो ये कितना मटेरियल लगेगा? लेकिन आज हमारा जरा फोकस लेबर पे, हम इसे प्राइस कोट करना चाह रहे हैं। उसने आके हमसे कितने यूनिट मांगे? अब उसे नहीं पता ये कौन से 4 हैं, लेकिन क्या हमें पता कि ये पहले 4 के बाद अगले 4 हैं? अब ये कितना आपके जहन में सवाल है कि भजन वो 4 की मांगे, वो 1 भी मांग सकता, तो इंशाल्लाह सारी बातें हो जाएंगी साथ साथ। लेट्स अज्यूम आफ्टर प्रिपेयरिंग फर्स्ट 4 यूनिट्स देयर इज अ कस्टमर जो आगे हमसे कहता है कि मुझे आपसे 4 यूनिट्स चाहिए, ये वाले या अगले, ये भेज दी हमने, उससे हमें अपने लर्निंग डेवलप होगी हमारी, तो उससे 4 यूनिट्स हमसे मांगे, उसकी प्राइस अब हमने बतानी है, मटेरियल खर्चा लगाएंगे हम अपना,
लेबर कॉस्ट सब निकालनी है। लेबर कॉस्ट के लिए हमें पहले लेबर आवर्स पता होना चाहिए। अब हमें ये पता है कि जो हमने ये चार यूनिट्स बना के देने हैं वो हमारे सीक्वेंस में अगले चार होंगे। कौन से चार होंगे? पांचवा। अच्छा यहाँ जरा मदर के साथ इंग्लिश में का मजा नहीं आना, फिफ्थ सिक्स, तो बुरा नाम नहीं आपका इंग्लिश में, मैं उर्दू में बोलना चाहता हूँ। पांचवा, छठा, सातवां और आठवां होगा। तो क्या मैं उसका उन अगले चार यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम और उनका रिस्पेक्टिव टाइम निकाल सकता हूँ? वो सुनिएगा बोर्ड पे देखेंगे, डबलिंग हो रही है हमारी। अगर ये चार यूनिट्स का इकट्ठा ऑर्डर मिले तो क्या डबलिंग हो रही है चार से आठ? क्या हमें पता है कि अगर डबलिंग हो रही है तो कम्युलेटिव एवरेज टाइम ने, कम्युलेटिव एवरेज टाइम ने फॉल कर जाना है टू अ फिक्स ऑफ द फिक्स परसेंटेज? अब कैलकुलेटर पे क्या लिखें? 8.1 लिखें, 8.1 लिखें। लर्निंग रेट क्या है हमारा? 90%। क्या अगर कम्युलेटिव आउटपुट डबल हो जाए तो लर्निंग रेट फिक्स परसेंटेज से फॉल करता जाता है? तो 8.1 × 90% समझ आ जाएगा? आंसर बताएं। 7.29 क्या आया? ना, रिलैक्स रिलैक्स, जल्दबाजी कोई नहीं। 8.1 क्या था? हिम्मत करके पूरा बोलना था पहले। कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट फोर यूनिट्स। 8.642 क्या था? 8.462 सॉरी, कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट थ्री यूनिट्स। बोर्ड पे एक सेकंड देखें, अगर मैं आपसे आपको 8.462 बता दूं तो आप मुझे 8.462 की बेस पे कम्युलेटिव टोटल टाइम मींस थर्ड कॉलम की फिगर बता सकते हैं? कैलकुलेटर पे लिखा जरा 8.462, ये क्या है? ये कम्युलेटिव अभी टाइम है पहले तीन यूनिट्स का, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तीन से। ऐसे ही ये आया कैसे था 8.462? इसके साथ ब्रैकेट बनाई हुई आपने, डिवाइड बाय थ्री किया था, तो ये मल्टीप्लाइड बाय थ्री होके वापस आ जाएगा। तो ये 7.2 आपने मुझे बताया, क्या पूरा आंसर 29? ये जो 7.29 बताइए क्या है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एट यूनिट्स। फर्स्ट एट यूनिट्स, ये किस यूनिट का टाइम आया? किसी एक यूनिट का रिस्पेक्टिव टाइम नहीं है, ये पहले आठ यूनिट्स का ऑन एवरेज टाइम आया। अब क्या मुझे आप यहां से यहां ला सकते हैं? कैसे भाईजान? 7.29 × 8, ये क्या है? ये क्या आया? 58.32 क्या है? कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट एट यूनिट्स। ठहर जाए। अब इस डेटा से मैं यहां नहीं आ सकता, ये तो मुझे पता है कि फर्स्ट एट यूनिट्स का ये कम्युलेटिव टाइम है, लेकिन पांचवें, छठे, सातवें और आठवें का इंडिविजुअल टाइम हमें इस स्टोरी से नहीं पता चलेगा। लेकिन हमें शायद उसकी जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले चार यूनिट्स का ऑर्डर मिला है, और अगर हमें अगले एक का मिलता तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो भी हो जाना। लेकिन इस टेबल में अगर डबलिंग की बेस पे ऑर्डर्स मिलते जाए तो हम इस टेबल को एक्सटेंड करके वर्किंग कर सकते हैं। 58.32 क्या है? पहले आठ यूनिट्स का टोटल टाइम। इसके ऊपर 32.4 पे जरा जाए, 32.4 क्या है? पहले चार यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम। क्या इनमें अगर डिफरेंस लिया जाए तो अगले चार यूनिट्स का एक्स्ट्रा टाइम हमारे सामने आ जाएगा। कौन से अगले चार? पांचवें, छठे, सातवें, आठवें। व्हाट इज 32.4? पहले चार यूनिट्स का टोटल टाइम। व्हाट इज 58.38? पहले आठ यूनिट्स का टोटल टाइम। तो टोटल आठ यूनिट्स का टाइम माइनस पहले चार यूनिट्स का टाइम, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगले चार यूनिट्स का टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्थ टू एट यूनिट, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा? देन हम क्या कर सकते हैं? टाइम टू मेक नेक्स्ट फोर यूनिट्स फ्रॉम
फ्रॉम फोर टू नहीं, फाइव टू एट, फिफ्थ टू एट यूनिट, फिफ्थ टू एट यूनिट। कैसे करोगे कैलकुलेट करो, 58.32 माइनस 32.40, 25. व्हाट इज 25.92? पांचवें घड़े सातवें आठवें यूनिट का टोटल टाइम है। अब अगर आपको इन्हीं चार यूनिट्स का ऑर्डर मिला है तो इनका आपको टाइम पता चल गया है, मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका रेट होगा, आप लेबर कॉस्ट बता सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर एक ही यूनिट का ऑर्डर मिलता वो कैसे होगा, इंशाल्लाह वो बड़े आराम से हो जाएगा। पहले अपना टेबल जरा एक्सटेंड कर लें, जिस सब मैंने कोशिश की है। हम कैसे कर लें, जगह नहीं कंफ्यूज नहीं हो रहा ऑनलाइन स्टूडेंट खास तौर पर, नहीं एवरेज नहीं, ये तो कमल, ये जो हमने स्टोरी बनाई है ये कमुलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट एट यूनिट्स, फर्स्ट टू यूनिट्स, इस तरह करके बनी हुई है ना। तो पहला क्या था, एक यूनिट का एवरेज टाइम, दूसरा दो, पहले दो का, तीन दो, पहले तीन का, पहले चार का, पहले पाँच का, छः का, सात का, फिर पहले आठ का एवरेज टाइम आया। वो तो टेबल हिस्सा बना हुआ ना, हम आगे से आगे चल रहे हैं ना, पहले वर्किंग्स कैसे नहीं है, एक नज़र देख लेना रिवाइज करना टेबल। वो पता क्यों क्या अब हो रहा नहीं, अब होना चाहिए मुसलसल। नीचे मैंने एक्सटेंशन एक और करनी है, तो कोई नहीं अब कर लें, लेकिन फिर एक्सटेंशन के लिए नीचे जगह रखें, कोई नहीं ठीक है, इसके बाद सफा होना चाहिए। बेटा वो डबलिंग नहीं है, चार से छः आना डबल नहीं है, चार से छः अगर आया जाए तो क्या ये यूनिट्स डबल हो रहे हैं, ये डबलिंग फाइनल करें सर। एक से दो आना डबल है, डबलिंग बेटा फाइनल करें, ये दो से चार जाना क्यों डबलिंग है, क्योंकि डबलिंग हो रही है, तो चार से छः भी तो डबलिंग है, ये डबलिंग फाइनल करें जी। बचपन में डबलिंग, बचपन जेन में लाया, एक जमा एक ये हुई ना डबल, एक और एक और एक हो गया। अब आगे कैसे करेंगे, दो दो आगे चार जब हो जाएगा, चार जमा चार, तो बेटा ये डबलिंग करनी फाइनल करें, डबलिंग इधर दोबारा कैलकुलेटर पकड़ लें, डबलिंग कर लें, इंटू दो ही कर लें, कुछ तरह कर लें, मैं तो बड़े दूर निकल गया था, तभी दोबारा जरा निकले, जरा दो, एक से दो ना डबलिंग है, दो पे आना एक दफा डबलिंग है, अगर मैं दो पे आ गया एक दफा डबलिंग हो गई है, दूसरी डबलिंग चार आठ बोले बारह, ये डबल होना है बेटा, प्लीज फाइनल करें, ये वाली साइंस करना, ऑनलाइन स्टूडेंट भी गिनते नजर आए, जी तीन से छह भी तो डबलिंग है, लेकिन आसिम साहब तीन तक आए कैसे हैं आप, एक जमा एक तीन हो गया, डेढ़ यूनिट जमा डेढ़ यूनिट,
बेटा पहले तीन तक तो आए ना, तीन तक कैसे पहुंच जाए पहले ये बताएं, फिर तो मैं मान लूंगा तीन से छह बाकी डबलिंग है। तीन तक आने का तरीका बताएं, एक जमा दो डेढ़ जमा डेढ़ कर लेते हैं, एक तक कैसे है, एक यूनिट बना लिया तो डेढ़ बना लेते हैं। एक यूनिट से दो तक आ सकते हैं, तीन तक कैसे हैं जी आसिम? नहीं नहीं ये बात तो क्लियर करनी, यही तो असल बस गेम है, इतनी से थी बस जी बेटा। कह लीजिए फाइनल कीजिएगा प्लीज, एक से दो अब चलते हैं जहां तक जा सकते हैं, दो से चार, चार से आठ, सोलह, बत्तीस, सिक्सटी फोर, एक सौ अट्ठाईस, दो सौ छप्पन, फाइव वन टू, वन जीरो टू फोर एंड सो ऑन, डबलिंग डबल डबल डबल। पहली डबलिंग कहां से कहां होनी है, पहली डबलिंग वन से टू है एंड सो ऑन। ये हमारी मर्जी नहीं कि शुरू भी जहां से मर्जी कर ले, शुरू कहां से करना है, वन से टू, फाइव से शुरू कर लेते हैं, लेकिन वो हमारी थ्योरी होगी, बुक वाली थ्योरी नहीं है। कहां से शुरू करना, पहला शुरू होना है वन से। जी सर, अगर फॉर एग्जांपल ओके जी प्लीज, जी ऑनलाइन स्टूडेंट सब कंफ्यूज होगी खत्म। अब लेट्स अस्यूम अल्लाह करे एक और कस्टमर आए और वो हमसे कहे कि मुझे आठ या चार, नहीं अब डबलिंग हो रही सर, आठ से चार डबलिंग में नहीं आ रहा, प्लीज फिलहाल फाइनल करें सर ये। अब अगली डबलिंग कब होगी, आठ से आठ सोलह तक जाना। तो लेट्स सी आपके पास एक कस्टमर आया, उसने आपको अगले आठ यूनिट्स का ऑर्डर दिए, क्या कस्टमर हमें डबलिंग के ऑर्डर दिया करेंगे? ये कोई साइंस नहीं है, एक सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए इस तरह से हम अभी फिलहाल बात कर रहे हैं। लेकिन अगर अगले आठ कहां से लेके कहां तक, नौ से आठ सोलह, अब कैंडी साइंस खत्म करें कैंडी, अगले आठ का मतलब आठ से सोलह, पहले आठ के बाद अगले आठ कहां से शुरू होके कहां तक आएंगे, नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन, नाइन टू सिक्सटीन अगर ऑर्डर आ जाए तो क्या हम अपने इस टेबल को एक्सटेंड करके प्राइस या आर्स कोड कर सकते हैं? कैसे? ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम, अब किसको 90% करेंगे, 7.29 इंटू 90%, 6.561, ठहरे आराम आराम से, व्हाट इज 6.561? हाँ जी, पहले 16 यूनिट्स का एवरी टाइम आया है, पहले 16 यूनिट्स का ऑन एवरी टाइम आया है, मल्टीप्लाइड बाय 16 करें, पूरा नाम बताइए क्या आया है, पहले 16 यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम आ गया है, 16वें यूनिट का टाइम बताएं, 15वें का बताएं, 9वें का बताएं, ये हम नहीं कर सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ऑर्डर मिला है उसमें हमें अलहदा अलहदा यूनिट्स का टाइम चाहिए ही नहीं है, हम इंडिविजुअल टाइम तक नहीं आ पाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे लेकिन दूसरा तरीका उसका, फिलहाल हम यहाँ कम्युलेटिव टाइम तक अगर आ गए हैं तो क्या अब हम पहले आठ के टाइम में से, पहले आठ के टाइम में से सोलह डिफरेंस मतलब पहले 16 यूनिट्स के टाइम में से पहले 8 यूनिट्स का टाइम माइनस करके अगले 8 यूनिट्स का टाइम निकाल सकते हैं? टाइम टू मेक नेक्स्ट 8 यूनिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th टू 16th कैसे निकाल सकते हैं, फिगर्स बोल दें जरा। What is 46.62? 46.656. What is this? Time to make अगले आठ मिनट्स, ठीक है।
जी एनी कन्फ्यूजन इन वर्ड्स एंड एनी कैलकुलेशन इफ एनी? ओके जी प्लीज नोट कर लीजिए, जर्नलिस्ट फ्रेंड्स में से लिखिए सब. नहीं सर जी, क्या ये ये जो टेबल है हमें डबलिंग होती रहे तो हेल्पफुल होता रहेगा. नेक्स्ट डबलिंग 16 से 32 फिर डबलिंग हो सकती है, लेकिन डबलिंग अब फाइनल करने एक से दो नहीं, पहले डबलिंग है, दो से चार से ये डबलिंग है. तो अगर तो डबलिंग में ऑर्डर मिलते जाए तो फिर तो ये टेबल हेल्पफुल है, लेकिन ये रेयर चांस है कि डबलिंग में ऑर्डर मिले. तो पेज नंबर 218 का, बाकी ये पेज नंबर 217 पे जो था वो सारा आपने लिख लिया. इसके एंड में एक टेबल बना जो शायद आपने बना ली. जी जहां बेटा पुट किया वहीं पुट करना. जहां ये फिगर्स, ये पहले चार, ये चार पांच से आठ तक के यूनिट्स का टाइम है 25.92, और ये आठ नौ से सोलह तक के यूनिट्स का टाइम है. इसकी बेस पे फिर अब हम लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है सर, जी सर पेज नंबर 218. अगर डबलिंग के मुताबिक ऑर्डर्स ना मिल रहे हो तो देन सर उस स्टोरी को फाइनल करने का फिर तरीका टेबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको एलजेब्रिक अप्रोच से एक फॉर्मूले से वर्किंग करनी पड़ेगी. हेडिंग मिल गई सर, बल्कि स्टार्ट में लिखा होगा लिमिटेशन ऑफ टेबलर फॉर्म ऑफ लर्निंग का अप्रोच. क्या लिमिटेशन है इसमें, क्या इसमें कमी है? डबलिंग हो जाए फिर तो ठीक है. द प्रॉब्लम विद टोटल डबलिंग इज दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट एवरेजेस फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल हाउ वुड यू गो अबाउट कैलकुलेटिंग हाउ लॉन्ग द पांचवा यूनिट टू मेक. अगर हमारे फॉर एग्जाम्पल पहले चार यूनिट्स बना लिए, एक कस्टमर आया उसने कहा मुझे एक यूनिट और चाहिए, तो हमारे लिए वो कौन सा यूनिट होगा? पांचवा, फिफ्थ नहीं. हम उसने तो कहा एक दे दे, उसने कहा दो दे दे. अगर चार हो गए तो हमें पता कौन से यूनिट्स की बात कर रहा है, पांचवा छठे की. तो पांचवें का टाइम क्या होगा, छठे का क्या होगा, इस टेबल से पता नहीं चलेगा. क्या टेबल से कम्युलेटिव टाइम पता चल जाता है डबलिंग का? लेकिन अगर डबलिंग ऑर्डर्स ना मिले तो फिर टेबल की बजाय एक अलजेब्रिक अप्रोच यूज हो जाएगी, और उसका एक फॉर्मूला जो हमें अप्लाई करना सीखना. बस द लर्निंग कर्व इन द टेबल अप्रोच इज यूजफुल इफ आउटपुट कीप्स डबलिंग. मिल गया सबको कहां से पढ़ा? बट फॉर इंटरमीडिएट आउटपुट लेवल्स वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन बाई यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. वट इज द फॉर्मूला? Y is equal to A multiplied by X और उसकी एक raise to power B है. अब पता नहीं इसे कैसे बोलना चाहिए. फॉर्मूला एक बार बोल दो. Y is equal to A into है और फिर एक X है और B है. लेकिन इन वर्ड्स के मीनिंग पूरे पूरे वर्ड्स के साथ याद रखने पड़ने, कुछ शॉर्ट वर्ड्स अपनी तरफ से नहीं करने. Y है cumulative average time per unit to produce number of units. अपना टेबल साथ रखें जो अभी टेबल बनाया आपने. ये y आपको आखिरी कॉलम की इंफॉर्मेशन देगा. सर जी प्लीज सर, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर यूनिट बताएगा आखिरी कॉलम. x क्या होता है? कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स. वो क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स लिखना है इसमें, वो अभी डिस्कस करते हैं. a है टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट, पहले यूनिट का टाइम a कहलाता है. और b जो है इंडेक्स ऑफ लर्निंग एक है, इसका एक फॉर्मूला है log r डिवाइड बाय log 2. R stands for है लर्निंग रेट, लेकिन जब भी आपने इस फॉर्मूले में R की जगह लर्निंग रेट लिखना है तो एग्जामिनर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 90% रेट बताए तो आपने लिखना है log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2. क्या कॉन्स्टेंट है?
log 2 कांस्टेंट है, r की जगह क्या लिखना है, लर्निंग रेट है, लेकिन उसे यूज कैसे करना है, सॉल्व करके करना, डेसिमल्स में लिखना है, ऐसे ही अगर 80% लर्निंग हो तो कैसे लिखेंगे, और अगर 85% हो तो सॉल्व करके लिखना है, आए इसको सॉल्व कैसे करना है, एक एग्जांपल को बेस बना, नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, आपका पहला फोकस समझने पे होना चाहिए, बाकी मेरा मेरी सजेशन ये है कि इसके आंसर्स आप रजिस्टर पे लिखने के बजाय अपने हाथ से जहां मैं कहूं तो राइट साइड पे लिखिएगा, लेकिन पहले समझ लेना। अज्यूम दैट इट टेक्स 400 डायरेक्ट लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट एंड एन 85% लर्निंग कर्व अप्लाइज, रिक्वायर्ड हमसे ये है कि कैलकुलेट करें टोटल टाइम टू प्रोड्यूस द थर्ड यूनिट तीसरा यूनिट, जी सर क्या रिक्वायर्ड है सर, सही ट्रांसलेशन कर दें, पहले तीन यूनिट्स का टाइम या तीसरे का टाइम कैसे करें, ऊपर फॉर्मूला देखें, y इज इक्वल टू, अगर मैं y के फॉर्मूले में तीन लिखूंगा, या चले पहले y इज इक्वल टू a बताएं कितना, 400 ठहरे मत लिखें, इसका कोई फायदा नहीं है, इनटू x किसे कहते हैं, ऊपर पढ़े जरा कंसंट्रेट फुल कीजिएगा, अगर मैं यहाँ 3 लिखूं, नहीं अगर मैं 1 लिखूं तो उसका क्या मकसद हुआ, तीसरे का टाइम चाहिए, पहले का टाइम तो पता, पहले का टाइम तो 400 नहीं है सर, पहले का टाइम 400 है, अगर मैं चले y के फॉर्मूले में 2 लिखूंगा, x की जगह 2 लिखूं, तो 2 लिख के जो मेरा आंसर आएगा वो मुझे पता क्या चलेगा, पहले 2 का एवरेज टाइम पता चल जाएगा, अगर मैं इस फॉर्मूले में 3 लिखूंगा तो पता क्या चलेगा, y बताएगा क्या, चौथे कॉलम की इंफॉर्मेशन देगा, पहले 3 यूनिट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा, अगर मैं x की जगह 20 लिखूं तो पहले 20 यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम आ जाएगा, कम्युलेटिव टोटल टाइम सॉरी कम्युलेटिव एवरेज टाइम आ जाएगा, कम्युलेटिव एवरेज टाइम लास्ट कॉलम आएगा, तो लेट्स अज्यूम मैं इसमें 3 लिखता हूँ, आप रिक्वायरमेंट पढ़ें जरा क्वेश्चन की, क्या जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर देगा, वो कहां तक पहुंचना है हमने, तीसरे के टाइम, तो 3 लिख के क्या आएगा, कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट्स, फिर अगर मैं 2 लिख दूंगा तो उससे क्या आएगा, कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 2 यूनिट्स, और क्या इनका डिफरेंस लेके मैं तीसरे के टाइम तक पहुंच सकता हूँ, ये फार्मूला डायरेक्टली आपको उस यूनिट का टाइम नहीं बताएगा, y पढ़े क्या बताएगा, y क्या बताएगा कम्युलेटिव एवरी टाइम आ जाएगा, फिर उसको इंशाल्लाह हम बाकी वर्किंग करके डिफरेंस तक पहुंच जाया करेंगे, रिलैक्स रहिएगा, फुल कंसंट्रेट करें, अब मैंने 3 लिखा है तो आंसर क्या आएगा, एक दफा फाइनल बोल दो, कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 3 यूनिट्स, अगर 5 लिखूंगा तो कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 5 यूनिट्स, तो लेट्स मेक इट सिंपल, 3 लिखा मैंने, अब 3 क्या लिखा मैंने, एक्स लिखा, एक्स एक्स, अब इसका फॉर्मूला देखें, x x के ऊपर क्या लिखना है, b b को पावर के तौर पे लेना है, लेकिन b अब सॉल्व करना है, b का फॉर्मूला क्या है, r की जगह क्या लिखना है, 0.85 डिवाइड बाय क्या करना है, log 2, आंसर सॉल्व करें, और डरना नहीं आंसर नेगेटिव में आएंगे, आने दें, अब कहीं ना कहीं राउंड ऑफ करना पड़ना, 0.23 एक और लिखें मैक्सिमम, लिखे और सॉल्व करें, ये प्लीज बी सॉल्व कर लिए सर, मैं सॉरी बी सॉल्व कर लिया, बी का फॉर्मूला क्या है, बी का फॉर्मूला क्या है, आर कैसे लिखना है, और इसे एक पावर के तौर पे यूज करना है, बाकी मेरा ख्याल आपको पता है एक्स एक्स वाई समथिंग जो आपके कैलकुलेटर पे होता है, आंसर बताएं, 309.32, बस दो डिजिट आगे ना जाए जब आंसर आ जाए, ऊपर लॉग में कितना बीम में कितना लिखना है वो फिर आगे भी डिसाइड कर लेते हैं, एक सेकंड यहां तक पहले बात मेरी समझ रख, मैं ये किस यूनिट का टाइम आया, ये किसी भी स्पेसिफिक यूनिट का टाइम नहीं आया, ये क्या आया है, पहले 3 यूनिट्स का एवरेज टाइम आया, तो क्या यही हमारा आंसर है, ये पूरा बोल देना 309.32 क्या है,
अब वो टेबल का नेम रखें, अगर मैं इस आंसर को तीन से मल्टीप्लाई करूं तो पहले तीन यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम आ जाएगा, तब दोबारा थ्री से मल्टीप्लाई करके किधर पहुंच गया मैं, वो तीसरे कॉलम पे, उधर से इधर आ रहा हूँ, उधर से इधर आ रहा हूँ। सॉल्व करो इन टू थ्री, 927.9, व्हाट इज 927.9? कम्युलेटिव टोटल टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट थ्री यूनिट्स। क्या हमारा आंसर ये है? क्या हमारा आंसर ये है? हमने कहां तक पहुंचना है? कहां तक पहुंचना है? तीसरे यूनिट का टाइम। अब y के फॉर्मूले में 4 रख लेता हूं, 4 रख लूंगा तो क्या आएगा? पहले 4 यूनिट्स का टोटल टाइम, फिर मल्टीप्लाई 4 करके क्या आ जाएगा? पहले 4 का कम्युलेटिव टाइम, तो उसकी कोई यूटिलिटी हमारे सवाल में क्यों नहीं है? पहले 3 का टोटल टाइम और पहले 4 का टोटल टाइम माइनस करूंगा तो किस यूनिट का टाइम आएगा? चौथे का टाइम आ जाए। हमें किसका टाइम चाहिए? तो y is equal to 400 किसे क्या दे रहा हूं? ये तो as it is है, into 2 क्यों लिखा है? दूसरे का टाइम आ जाएगा या दूसरे का एवरेज टाइम आ जाएगा? आगे इकट्ठे हो रहे हैं, ये काइंडली बोलते रहिएगा, बस यही बात है शायद इसमें। आंसर आया 340.1। क्या आया? नहीं कंफ्यूजन, इनटू 2 क्यों कर रहा हूं? पहले 2 यूनिट्स का कम्युलेटिव टोटल टाइम आ जाएगा। आंसर बताइए, 680.2। और गेम ऑन हो गई है, ये तो नहीं आ रहा, ये तो वो आ रहा है उसके बाद भी आ रहा है। अब जरा पूरा बोल दे, 927.9 क्या था और 680.2 क्या था? ये पहले आ रहा है, ये पहले आया है y पढ़ने पर, ये शॉर्ट वर्ड्स नहीं हो सकते y के पूरे वर्ड्स, ये आया है कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट थ्री यूनिट। ये फॉर्मूला डेवलप हुआ है, इसमें y क्या बताएगा आपको? कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट बताएगा। तो अगर हमने 3 रखा है तो कम्युलेटिव एवरेज टाइम ऑफ फर्स्ट थ्री यूनिट्स आया, इनटू 3 करके जो आंसर आया इसका नाम क्या है? कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट थ्री यूनिट्स। क्या फर्क है उसमें और इसमें? वो ऑन एवरेज एक यूनिट का टाइम था और ये फाइनली कम्युलेटिव टोटल टाइम है, कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट थ्री यूनिट्स। और बिल्कुल इसी तरह से अगर 340.1 को एक्सप्लेन करना चाहूं और फर्स्ट टू यूनिट्स एंड 680.2 कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट टू यूनिट्स। अब ठीक है, प्लीज ये कर ले फाइनल, नहीं ये वर्ड्स वगैरह पूरे कर, ये राइट साइड पे है देखो, मैं लिखो जनरेशन सब फाइनल होगा। जब कोई कंफ्यूजन तो नहीं, प्लीज रहेगा ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछो।
ये लॉक वाला आंसर आ गया भाई, लॉक 0.85, ये तो सॉल्व हो गया, पावर भी सही होगी। अच्छा लॉक किस बटन से लेना है? बटन लॉक के बटन से, लॉक का बटन होता है, लॉक किस बटन से लेना है? और बेटा मोबाइल तो नहीं हाथ में, नहीं मतलब गलती से इंसान नहीं उसमें आ तो जाता है, लेकिन वो इसलिए थोड़ी होता है। अब वो कहाँ है, मोबाइल इसलिए लिया था बेटा, तो कैलकुलेटर पे लिखा हुआ यार लॉक। डी से डी हमारा फाइनल आंसर क्या है स्टोरी में? 927.9 है या 680.2 है? अच्छा एक भाई ने एक और बात की, जरा कैलकुलेटर पकड़ा सारा था। पहले यूनिट का टाइम क्या है? अच्छा इस वक्त डेफिनेटली अलजेब्रिक अप्रोच हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए ना वो जो टेबल है वही जहन में रखना है। पहले चार कॉलम, बल्कि चार ही टोटल है, एक दफा दोबारा देख के ना बोल के जरा वर्ड सुन ले मेरे से एक दफा दोबारा, हर वक्त जहन में रखना है। पहले यूनिट्स है कॉलम में, टेबल वाले चार, दूसरे में टाइम टू मेक कंसर्न यूनिट, उस यूनिट का टाइम, तीसरा कमलेटिव टोटल टाइम, और लास्ट में था तो वाई का फॉर्मूला आखिरी कॉलम का आंसर दे रहा है। 400 था पहले यूनिट का टाइम, 400 लिखें कैलकुलेटर पर। 85% लर्निंग रेट है और आखिरी कॉलम जहन में लाए जरा, पहले से अगर दूसरे यूनिट में है, पहले से दूसरे डबलिंग हो गई है, तो उधर 400, उधर 400 पहले का होगा, 400 ही कमुलेटिव होगा और 400 ही कमुलेटिव एवरेज भी होगा। पहला बना लें जहन में, पहले यूनिट का टाइम 400, कमुलेटिव टोटल टाइम और कमुलेटिव एवरेज टाइम भी 400/1 400 ही होगा। तो 400 × 85% करें जरा, क्या 340 बनता है आपका भी ढूंढने जरा। तो टेबल हो या अलजेब्रिक फॉर्म हो, आंसर आपका तकरीबन सेम होगा। अब हमने राउंड ऑफ किया हुआ है 0.234 को, इसके बाद 340.1 आ रहा है, समझ आ गई सर? लेकिन इसको 341.41 को, 340.1 को या 340 को पूरा एक्सप्लेन कर दें, ये है क्या? कम्युलेटिव एवरी टाइम है फर्स्ट टू यूनिट्स का, इसको जरा एक और डबलिंग की तरफ लेके जाएं, उधर से किधर, उधर से किधर, दूसरे से चौथे पे, और 340 × करें 85%, तो ये मैच नहीं हुआ ये वाला 309.32। ये चार यूनिट्स का एवरेज टाइम आया, तो डबलिंग वाला तो ठीक है, लेकिन ये थर्ड पहले तीन यूनिट्स का एवरेज टाइम आया जो टेबल से फिर अब नहीं आएगा। इसके लिए आपको ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। टेबल कब तक हेल्प करेगा? डबलिंग अगर हो रही है तो टेबल भी हेल्प करेगा, फॉर्मूला भी हेल्प करेगा। फॉर्मूला और टेबल का आंसर सेम है अगर डबलिंग हो रही हो, लेकिन ये फॉर्मूला हमें तब भी हेल्प करेगा जब डबलिंग ना भी हो रही है। अब डन है प्लीज, फाइनली हमारा आंसर होना चाहिए, अभी डिफरेंस लेना हमने। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है प्लीज, फाइनल आंसर बताइए। What is 247.7? टाइम फॉर, अब ये कम्युलेटिव नहीं है, अब ये बहस खत्म है। टाइम फॉर द थर्ड यूनिट, टाइम फॉर थर्ड यूनिट, तीसरे यूनिट का टाइम निकालने के लिए पहले तीन लिखा, कम्युलेटिव एवरेज टाइम आया, इंटू तीन करके कम्युलेटिव टोटल टाइम आया, फिर दो लिख के एवरेज टाइम आया दो का, फिर इंटू दो करके कम्युलेटिव टोटल टाइम दो यूनिट्स का आ गया। अब दूसरे का टोटल टाइम, पहले दो का टोटल टाइम, सॉरी पहले दो का टोटल टाइम, पहले तीन का टोटल टाइम में डिफरेंस किस वजह से होगा? तीसरे के टोटल टाइम की वजह से। डन है प्लीज, पेज कैंड कर दीजिए जी। कोई फाइनल कंफ्यूजन? पेज नंबर 218 के बिल्कुल आखिरी में एक सेंटेंस लिखा हुआ, पहले वो पढ़ने पर आगे। क्वेश्चन एक एंड में लिखा हुआ, द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक 100 आवर्स, व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला? ऊपर ए मिल गया, ए मिल गया है। 80% लर्निंग रेट इज नोन टू अप्लाई, बता दिया उसने, यूज अलजेब्रिक अप्रोच। नेक्स्ट पेज पे, अब इससे रिलेटेड तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरत पड़े तो आगे पीछे आते जाइएगा।
पहली रिक्वायरमेंट बिल्कुल सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं, पहले रिक्वायरमेंट का मीनिंग बताना। कम्युलेटिव एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस फर्स्ट 16 यूनिट्स, पहले का टाइम मांग रहा है, दूसरे का, तीसरे का। पहले 16 यूनिट्स का एवरेज टाइम मांग रहा है, क्या वाई के फॉर्मूले में 16 लिख के जवाब आ जाएगा? सीधा यही जवाब आएगा। वाई क्या बताता है देख के, फाइनली पूरा बोल दें। कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट बताता है, तो 16 लिखेंगे तो पहले 16 यूनिट्स का कम्युलेटिव एवरेज टाइम आ जाएगा। आए कब तक कहते रहेंगे कि लिखेंगे, लिख ही लेते हैं। ए बता दें 100, एक्स बता दें 16, लॉग सॉल्व करें 0.8 एवरेज, लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग 2 पॉइंट माइनस 0.32, आंसर माइनस में आ रहा है, कोई हद मसला नहीं, ऐसे ही आएंगे। कैसे सॉल्व किया, लॉग 0.8 डिवाइड बाय लॉग, ये मेरे ख्याल ब्रैकेट्स खुल जाती है, ब्रैकेट्स को बंद भी करना पड़ता है। कहता भी अच्छा नहीं लगता क्यों मास्टर्स को, सबकी एफसी पास है तो 90% तो सी हो गया हुआ, उस वक्त ऐसे ही लगा था, लेकिन अब तसल्ली हो गई होगी। एफसी के बाद मिलते हैं सर, 5 पेपर इकट्ठे ना रख लो, 5 मैं ही शायद लाता हूँ, वरना तो सर तो बड़ा इजी है, साथ पर रख लेता हूँ, मैं जरा जल्दी सी ये करना चाहता हूँ। आप में से बहुत से लोग आए होंगे, क्या एक रख ले, एक रख ले, हालात यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, अब पहुंचे हुए हैं, एक आधा रहने थे, अब एक आधा रख ले, गेम यहाँ होती है, सर एक आधा रख ही लू। और असल अलमी है कि फीस जमा कराने के बाद मुझसे पूछते हैं, सॉल्व करें सर 40.96 नहीं आना, वो आंसर देके बताए जा रहे हो, थोड़ा सा फर्क होगा, वो 3.3219 पर राउंड ऑफ हुआ होगा, 40.96 आ रहा है यार, ठीक है आने दे, नहीं आ रहा, 40 पॉइंट, चलो सॉल्व यार, इसका भी तरीका भी फाइनल कर लेंगे पेपर में, यानी क्वेश्चंस में जितना रेट गिवन हो, ये समटाइम रेट गिवन होता है, तो सारे को लिख लिया करेंगे ताकि राउंडिंग ऑफ से भी जान छूटे। कॉन्सेप्ट समझ गए सर, अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह भी 41 है और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह 41 है, तो इस बहस को छोड़ दें, असल मसला फिर आ गया सामने लगता है, ये आया क्या है पहले ये बता दो। तो क्या हमसे यही रिक्वायर्ड था, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे, कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द फर्स्ट 25 मिनट, ये भी वही है, वाई मांग रहा, कर दे सॉल्व। पर यूनिट है, सोच के कम्युनिटी वेरी टाइम पर यूनिट, ये किस यूनिट का टाइम है, 25वें का, ये ना पहले का है ना दूसरे का है ना 20वें का है, ये ऑन एवरेज पहले 25 का है, ये किसी स्पेसिफिक यूनिट का प्लीज टाइम नहीं है, ऑन एवरेज पहले 25 यूनिट्स का टाइम 35.657 है, कैसे 25 से मल्टीप्लाई करके 25वें यूनिट का टाइम निकाल सकते हैं, 25वें का नहीं, इसे 25 से मल्टीप्लाई करके पहले 25 यूनिट्स का टोटल टाइम आ जाएगा, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। जी सी रिक्वायरमेंट, टाइम इट टेक्स टू मेक द 20th यूनिट, ये करें जी वर्किंग अबाउट, 20वें यूनिट के टाइम तक कैंडी पहुंचे और प्लीज अपनी अपनी वर्किंग इंडिविजुअली करें और खामोशी से करें, मुझे फाइनल आंसर बताना।
अरे सॉल्व कीजिएगा, लिख के कैलकुलेटर पे जवाब नहीं निकाल देना, इसको सॉल्व भी करना नहीं, मतलब लिख के करना। तो जाने दे, 26 कैसे आ सकता है, ये तो पॉइंट्स में आ रहा है। और जाने दे, गलत करवा दे यहाँ। और नहीं सर जी, नेगेटिव आ गया, यही ना बात, असल गेम तो आप पढ़ी है ना। ये 20 रख के आंसर बताइएगा 0.32 के साथ से। 38.34। और यार इंटू 20 क्यों, हो तो गया है, और इंटू 20 हो गया वह पूरा बोलते हैं। 38.34 क्या है, इंटू 20 करके क्या आएगा, 7.60.8। 19 के बेस पे बताएं, इंटू 20 कर दें। अच्छा ये इंटू वही होना है जो वहां था, उसका एवरेज था, और ये फिर मल्टीप्लाई करके टोटल आ रहा है 740। डिफरेंस है किस यूनिट का टाइम है, ये टाइम टू मेक 20th यूनिट। 20th से वैसे वो मजा नहीं आ रहा, नहीं मतलब अगर आपको आ तो ठीक है, 20th 20वां यूनिट। तो प्लीज क्लियर है सबको कि दोबारा 20 और दोबारा 19 की मल्टीप्लाई हो रहा है, टोटल कम्युलेटिव टाइम निकालने के लिए। जॉनल स्टूडेंट फाइनल है, एनी अदर क्वेश्चन ढूंढे जी, थोड़ा सा जरा इमीडिएटली नीचे 200 पेज 219 क्वेश्चन। मिल गया जी, फर्स्ट बैच बेटा वर्ड लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिमेन सेम। अब बैच मींस ग्रुप ऑफ यूनिट्स होता है, लेकिन अगर फर्स्ट यूनिट का डाटा हो तो फिर हम यूनिट्स में वर्किंग कर लेंगे, फर्स्ट बैच का डाटा हो तो बैचेस में वर्किंग कर लेंगे। इट सिंपली मींस, पिछले पेज पे जाएं जरा, ए क्या बताया हुआ था वहां, नहीं टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट की जगह अब हम क्या वर्ड बोल देंगे, फर्स्ट बैच, एवरी अदर थिंग रिमेन सेम। और वाई देयरफॉर क्या बताएगा, कम्युलेटिव एवरी टाइम पर बैच। तो बैच सिंपली मींस यूनिट सी को अल्टरनेटिवली बोला जा, नथिंग एल्स मींस द फॉर्मर रिमेन सेम। द फर्स्ट बैच ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट टुक 20 आवर्स, ए लर्निंग रेट इज 90%। बाकी वो नीचे स्टार सा लिखा हुआ है, बैच को बस यूनिट की तरह कंसिडर कर लेंगे। इफ द लर्निंग रेट, अब ये गेम आ रही है, सीजेस आफ्टर 72 बैचेस, स्टॉप्स, क्या किसी स्टेज पे जाके लर्निंग रुक भी जाएगी? वो होती जाएगी। वही क्वेश्चन वाली एग्जांपल जहन में लाया था, जितने मर्जी आप एक्सपर्ट हो जाए कुछ ना कुछ टाइम जरूर लगेगा, और फिर वो जितना टाइम लग रहा होगा वहां वही सब्सिक्वेंटली भी लगेगा। तो ब्रैकेट बने रहा, ऑल सब्सिक्वेंट बैचेस विल टेक सेम टाइम एज 72nd 72वां। अंडरस्टूड बात है, ये ब्रैकेट में लिखा तो हुआ है लेकिन आइंदा से नहीं लिखा होगा, कहां जाकर लर्निंग रुकी है, किस बैच का टाइम फिर ऑनवर्ड्स लगेगा, पहले वाले का, 72nd बैच का फिर जो टाइम होगा वही 73rd 74th एंड सो ऑन हो, कहां रुकी है लर्निंग। अगर मेरे को 99th बैच पे लर्निंग रुकी है तो 99th बैच का जो टाइम होगा वो आगे कांस्टेंट रहेगा। डन है प्लीज। अब हमसे रिक्वायर्ड है हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मेक अ टोटल
of 100 batches. अभी आपसे ये required नहीं है, अभी एक नई छोटी चीज आ गई है, तो पहले मेरे से ध्यान से बात सुनना. Let's assume, अगर मैं y के फॉर्मूले को इससे एक्सप्लेन करूं, बल्कि पहले तो ये देख ले y का फॉर्मूला क्या यहाँ अप्लाई होने के अलावा टेबल भी यूज हो सकता है. क्या ये 72 या 100 टेबल में आएंगे? टेबल में क्या या क्या आएगा? 64 के बाद 128 आएगा, ये डबलिंग में नहीं आ रहे. तो अगर डबलिंग में नहीं आ रहा है ये भी पता होना है, फिर टेबल यूज ही नहीं हो सकता. अब कौन सा यूज करना पड़ेगा हमें? अब गौर से मेरी बात सुनिएगा जरा. यहाँ लेट्स अज्यूम मैं y इज इक्वल टू फॉर्मूला पहले तो बोला जरा एक दो a इंटू एक्स बी. ए बताए कितना है? 20 टाइम टू डू फर्स्ट बैच मेक्स द थिंग सिंपल इंटू 100 अगर लिखूं तो मसला क्या है? ये बी एक मिनट सॉल्व कीजिएगा. 0.9 डिवाइड बाय log 2, log 0.9 डिवाइड बाय 0.2, पॉइंट माइनस 0.15. चलें ठीक है, छोड़ दें इस बहस को. अगर मैं 100 लिखूं तो पहले 100 यूनिट्स का एवरेज टाइम आ जाएगा, इनटू 100 करूं तो रिक्वायरमेंट पड़े आंसर आ जाएगा. मेरे यहाँ 100 लिखने का मतलब ये होगा कि लर्निंग जारी रही 100 यूनिट तक. हालांकि लर्निंग कहाँ रुक गई है तो पहले ये क्लियर कर लें. एक मिनट, अगर मैं यहाँ 100 लिखूंगा तो हर यूनिट की लर्निंग आ रही है और कम्युलेटिव एवरेज टाइम फर्स्ट 100 यूनिट्स का कैलकुलेट हो जाएगा, इनटू 100 करके कम्युलेटिव टाइम आ जाएगा. लेकिन प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू दिस डाटा क्या है? लर्निंग कहाँ रुक गई थी और क्या ऑनवर्ड्स फिर सेम टाइम रहा था? वो फिर डिक्रीज नहीं हुआ उस परसेंटेज की बेस पे जिसने फिर फॉल करना था, कहां जाके रुक गया होगा टाइम. तब यहां मुझे क्या मालूम करना पड़ेगा? 72nd बैच का टाइम जिसने बाद में कांस्टेंट रहना है. लेकिन मैं 72 अगर लिखूंगा तो इनिशियली पहले आएगा क्या? कम्युलेटिव एवरी टाइम ऑफ फर्स्ट 72 बैचेस आएगा, फिर इनटू 72 करके क्या निकाल लूंगा, फिर इसी फॉर्मूले में 71 लिख लूंगा, फिर इनटू 71 करके कम्युलेटिव टोटल टाइम ऑफ फर्स्ट 71 बैचेस आ जाएगा, फिर उनका डिफरेंस 72nd बैच का टाइम जब आ जाएगा तो इंशाल्लाह टोटल पूरा हो जाएगा, वहां पहुंचे 72वें यूनिट का टाइम बताएं. लिख लेना अच्छा एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा. इसका मतलब फिर एक और तरीका ये है कि रादर देन पहले हम 72 का कम्युलेटिव एवरी टाइम निकाल के लिखें, फिर 72 से दोबारा मल्टीप्लाई करके लिखें, कुछ राउंडिंग ऑफ से भी शायद हम बच सकते हैं. तो ये समझ आता है क्या किया मैंने? रादर देन के पहले कम्युलेटिव एवरी टाइम निकाल लें और फिर उसको लिख के दोबारा मल्टीप्लाई करें, वी कैन सेव टाइम अगर हमें टोटल कम्युलेटिव टाइम चाहिए हो तो. फाइनल आंसर बता रहा है? नहीं, मुझे जरा यहां तक बता देंगे. 72 वाला क्या है? 750 758.16 749.20 टाइम ऑफ 72nd बैच. 72nd बैच 8.96. बस याद है कर दे, फिर लास्ट स्टेप मेरे साथ देखो.
उसने तो कहा 100 बैचेस का टाइम निकाले, हम किस चक्कर में पड़ गए, हमने 72nd बैच का निकाल लिए। इसका मतलब पता ये चला कि अगर किसी इस क्वेश्चन में पता चले कि लर्निंग स्टॉप हुई है, तो जिस जगह लर्निंग स्टॉप हुई उस यूनिट का या उस बैच का फिर आपको टाइम चाहिए होगा। और फाइनल जरा स्टेप करना, मैंने बोर्ड पे देखा, हमें फाइंड आउट करना है टाइम। ये वर्किंग होगी यहाँ तक 8.96 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हमें फाइंड आउट करना है टाइम टू मेक फर्स्ट हंड्रेड यूनिट्स बैचेस। इसमें एक वर्किंग हुई भी है, जरा देखें जरा सेकंड बोर्ड पे। 72 बैचेस का टाइम पहले टोटल आ रहा है हमारे पास, टाइम ऑफ फर्स्ट 72 बैचेस 758.16 प्लस, हाँ जी 8.96 इंटू कौन सा 28, नेक्स्ट 28 इज इक्वल टू 250.88। डन है। व्हाट इज द टोटल? 1009.04। व्हाट इज दिस टोटल टाइम टू मेक 100 बैचेस? तो पहले 72 यूनिट्स का टाइम हमने निकाल लिया और 72 बैचेस, 72 बैचेस, तो नेक्स्ट जो 28 बैचेस होंगे उनका टाइम फिर 8.96 कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि लर्निंग स्टॉप होगी। पूरी बात क्लियर है सर? तो अगर लर्निंग स्टॉप हो जाए तो आप किस स्टेज पे रुक के क्या कर लेंगे? जहां लर्निंग स्टॉप होगी वहां रुक के उस यूनिट या उस बैच का टाइम निकाल लेंगे। ये नोट कर ली, ये पेज नंबर 220 पर एक आखिरी चीज थोड़ी सी देखेंगे। ये कटे जी प्लीज 220 सर। ये क्वेश्चन बना हुआ जरा पेज नंबर 220 के स्टार्ट में कहीं। कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉर द प्रोडक्ट एक्स हैज बीन टैबुलेटेड एज फॉलोस। एक टेबल बना हुआ है, यूनिट्स के सामने लिखा हुआ है कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। पहला और चौथा कॉलम बना हुआ है। क्या इसी कॉलम से पता चलता है कि लर्निंग रेट क्या है? yes, पहले और चौथे से अगर डबलिंग हो रही हो, ओके सर, व्हाट इज द लर्निंग रेट? कैलकुलेटर पकड़ो। व्हाट इज द लर्निंग रेट? कंसंट्रेशन से मेरी चंद बातें सुनिएगा, बात सिंपल है आपको पता। क्या 1 से 2 पे जाना डबलिंग है? yes, और अकॉर्डिंगली क्या चौथा कॉलम गिवन है? 17.2 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 अप्रोक्सीमेटली 0.86, या अगर पूरा कर लिया तो 86%। 2 से 4 होना भी डबलिंग है, तो अल्टरनेटिवली नेक्स्ट कैसे चेक कर सकते हैं? 14.792 डिवाइड बाई 17.2
into 186 approximately. आता सर क्या 4 से 8 होना भी डबलिंग है? क्या 4 से 8 होना भी डबलिंग है? अब ये कैसे करेंगे? 14.792, ये पिछले के साथ कंपेयर करना है, पिछली एवरेज प्रीवियस. यहां तक ठीक है? ठीक है सर. एक सेकंड के लिए जरा नेक्स्ट पेज पे जाएं, जरा 221 पेज पे. एक टेबल ये भी बना हुआ, क्या नजर आ रहा? 1 से 8 और 20 मिनट से 12.72. तो यहां भी 12.72 लिखें और जाने दें, यहाँ डिवाइड बाय 20 कर लें, लर्निंग रेट निकल आएगा. अब बीच में ये प्रीवियस डबलिंग के साथ होना है. बीच में कितनी दफा डाटा 1 से 8 तक आते हुए डबल हुआ है? 1 से 2 होना एक डबलिंग है, 2 से 4 में एक और डबलिंग है, और 4 से 8 होना 3 दफा जब डाटा डबल हुआ है, ये सॉरी यूनिट्स डबल हुए हैं. तो कम्युलेटिव एवरेज टाइम 20 मिनट से 12.7 मिनट तक आया है. ये कितनी डबलिंग हुई है? काउंट कर देना कितनी. 1 से 2 होना 1 है, 2 से 4, 4 से 8, 3 दफा डाटा डबल हुआ है. इस तरह अगर आपने करना हो, इस तरह से डाटा दिया और लर्निंग रेट निकालना हो, तो एक आसान सा फॉर्मूला जरा बोर्ड पे देखें. 20 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय R, 3 दफा लर्निंग हुई है तो R की पावर 3 हो जाएगी और इज इक्वल टू हुआ है 12.72. पहले तो ये जरा मेरी इक्वेशन हजम करें. R क्या है? लर्निंग रेट निकालना. अब हमने तो 3 मैंने क्यों लिख दिए? 3 दफा डबल हुआ तो क्या आंसर आया? 12.72. इस तरह से एक इक्वेशन बन जाएगी. और क्या फिर इसे सॉल्व करके R ढूंढा जा सकता है? पेज 221 पे जहां ये टेबल बना हुआ उसके साथ ही फॉर्मूला लिखा. सर पेज नंबर 221 सर मींस 2 2 एंड 1 एंड 1 एज वेल. ये बेटा 3 पावर समझ आ रहा है क्या कर रहा मैं? 3 दफा नहीं, वो निकाल लेते हैं वो तो. लेकिन ये 3 1 से 2 होना, 2 से 3 होना, 2 से 4 होना, 4 से 8 होना, 3 दफा 20 को लर्निंग रेट मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 12.72 बना है. अब मेरा ख्याल है ये भी आपके कैलकुलेटर पे आर आ जाएगा शायद. लेकिन अगर मैथमेटिकली मैं सॉल्व करूं इक्वेशंस बना के तब भी हो सकता है जी, वो आपको डेफिनेटली मेरे से ज्यादा बेहतर पता है. नहीं ठीक है बाकी डेफिनेटली आपने अभी क्यों पढ़ी, मैंने पढ़ी भी है कि और आपने अल्हम्दुलिल्लाह पता रखी है बस. अब जब इस 3 ने उधर जाना है तो मेरा ख्याल है कि डिवाइड बाय होता है 1/3 हो जाएगा. ये वाली गेम तो नहीं पड़ी भी कहीं, डिवाइड बाय 3 हो जाएगा तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये पावर 3 है. ये उधर जाके आपके साथ रह रहे मैंने सीखा है 1/3 हो जाएगा और आर फिर फाइनली आर मेरा ख्याल कैलकुलेटर पर सॉल्व हो जाता है. एक दफा ये वर्किंग लिखें जी साहब, अब मुझे समझ आ गई कि वर्किंग इंतहाई जरूरी है. अब ये आर पे तकरीबन कैलकुलेटर पे तकरीबन 0.85 समथिंग है, लेकिन इसे फाइनली अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आर इज इक्वल टू 86%. ये लिखें छोटी वर्किंग लिखे ठीक. जी सर ये नोट कर ली. सबसे पहले तो ये बता दें गौरी कहां तक पहुंचा है? टेस्ट वाला एक सवाल था. नहीं हो गया नहीं, अटेम्प्ट कर लिया. गौरी के आज से सर ये रवीन की तरफ जा रहे हैं आप लोग, तो बस पेज नंबर लिखें. वॉल्यूम 2 पेज नंबर
34 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सीवीपी पहले रिवाइज करना है। अब सीवीपी की तरफ भी आते हैं ऐसे दोबारा, तो सीवीपी पहले रिवाइज करना है, कौन सा वॉल्यूम कौन सा पेज। देन जब आप ये रिवाइज कर लेंगे तो रिवाइज इन अ सेंस मतलब सारी फिगर्स कैसे हैं, क्यों आई, कहां से आ गई, कैसे आ गई, जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आपने वॉल्यूम वन में आना है और एक वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन पहले एक नजर देख के जरा फॉर्मूले फाइनल रिवाइज करना है। क्वेश्चन है 121 ऑफ वॉल्यूम वन क्वेश्चन 11। इसमें जरा वेरिएंसेस खासतौर पर ओवरहेड वेरिएंसेस बाकी भी जो कुछ होगा सारा एक नजर रिवाइज करें और इस सारे की बहस के बाद हाँ जी एग्जाम में रखा लो। इसके बाद फिर आपने एक बल्कि इसके साथ फिर एक अब ये मैं यकीनन एक दिन के लिए शायद नहीं कह रहा लेकिन अगर एक दिन से ज्यादा लेना है तो जरूर लें लेकिन सही रिवाइज करके साथ इसके एक क्वेश्चन रख लें मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का क्वेश्चन नंबर 7 पेज 108 जब ये रिवीन कर लेंगे तो देन आपने फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव सा क्वेश्चन और इंडिविजुअली टाइम करके देखना है कि कितना टाइम लगता है। अगर आप सीरियस ले रहे हैं मेरी बात को इट विल नॉट टेक मोर देन 1.5 आवर। और यकीनन बहुत से लोग हंस रहे हैं मेरे पे ये हमारे से ये एक्सपेक्ट हो रहा है तो वो ठीक है आप सही हंस रहे हैं मेरे पे। क्या वंस अगेन मेरा ख्याल है कि आप पढ़ेंगे जाके कि अभी तक मुझे समझ नहीं आई, बनती तो यही बात है आपकी तरफ से लेकिन शायद मेरा काम दरवाजा खटखटाना तो जरूर है। तो वॉल्यूम वन में फिर आपने रहना पेज नंबर 207 पे एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इस तरतीब से इसलिए करना है क्योंकि कुछ चीजें हम इन क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं जो उसमें शायद इकट्ठी आनी है। तो पेज नंबर 207 क्वेश्चन नंबर 2 डेजी के नाम से एक सवाल है उसमें मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस ओवरहेड वेरिएंसेस और ये कुछ लॉसेस की परसेंटेजेस आनी है वो सारी शायद आ रही है तो एक कंप्रिहेंसिव से रिवीन हो रही है इन चीजों की। अल्लाह इन दिनों में शायद 2-3 दिन हम जरा रिलैक्स है तो प्लीज पीछे जाके कुछ चीजें साथ साथ रिवाइज करते जाए। अल्लाह हाफिज़ से नोट कर ली अल्लाह हाफिज़।